किस तरीके से आज कार्रवाई की है, क्या लगातार? ये माननीय NCBCR जो आयोग है उसके निर्देश हैं कि बाल श्रमिकों के संबंध में एक अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए और ऐसे बाल श्रमिक जो नियोजित पाए जाते हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश हैं। इस संबंध में कलेक्टर महोदय के आदेश हैं। तो आज दिनांक 23 नवंबर को हम लोग पूरी श्रम विभाग और महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और विभिन्न विभागों के सहयोग से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी ये यहाँ इस शॉप पर आए हैं, इसका नाम है टोनियन। यहाँ पर अभी दो बालक मिले हैं तो उस संबंध में जांच करके कार्रवाई की जा रही है। और भी जगह जाएंगे? बिल्कुल, ऐसा कोई टारगेट तो नहीं है, पर हाँ ये है कि कार्रवाई करनी है और जितना अधिक से अधिक प्रभावशाली तरीके से हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इससे अवेयरनेस भी आती है और लोगों में भय भी उत्पन्न होता है ताकि वो फिर भविष्य में कभी इस प्रकार से बाल श्रमिकों को नियोजित करने जैसी काम नहीं करते हैं लोग। अभी का बच्चों को साथ में ले जा रहे हैं, क्या समझाइश देकर उनको छोड़ा? नहीं, समझाइश देकर इसमें नहीं छोड़ा जाता है। ये बाल श्रमिक हैं या किशोर श्रमिक, अभी वो इनके दस्तावेजों से पता लगेगा। अगर 14 साल से अधिक होंगे तो ये किशोर श्रमिक की श्रेणी में आएंगे और 14 साल से कम होते हैं तो बाल श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। और इनको अभी यहाँ से ले जाके CWC के सामने पेश किया जाएगा और वहाँ से जो निर्देश प्राप्त होंगे उस संबंध में ऐसी कार्रवाई की जाएगी।